स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड्स लास्ट टाइम हम लोगों ने बोरेक्स का टॉपिक फिनिश किया था और बोरेक्स को हमने देखा था इन पर्टिकुलर बोरेक्स बी टेस्ट में हम कैसे यूज कर सकते हैं बोरेक्स बी टेस्ट मेटल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने देखा, देखा था कि यू, यू, यूज होता है इसके अंदर हमारे पास दो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें से एक बोरिक एनहाइड्राइड है और एक सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड या सोडियम मेटाबोरेट है ये दोनों जो हैं ये मुख्य कम्प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं किसी भी मेटल के साथ और वो मेटल डिपेंडिंग ऑन इट्स कम्पलेक्स चार्ज को एक कलर देता है और उस कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस किस्म का मेटल था आज जो हमारा लेक्चर है इट इज गोइंग टू बी ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड्स बोरिक एसिड्स इससे पहले भी हम पहले बात कर चुके हैं बोरिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं क्या होते हैं बोरिक एसिड जनरली चार किस्म के होते हैं द फर्स्ट वन ऑफ ऑल इज ऑर्थोबोरिक एसिड या सिंपली जिसको हम बोरिक एसिड कहते हैं वो एक्चुअली ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ठीक है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है एच थ्री बी ओ थ्री ठीक है ये सबसे सिंपल बोरिक एसिड है या इसको आप सिंपल बोरिक एसिड कहते हो या ऑर्थोबोरिक एसिड फिर इसके बाद इससे थोड़ा सा जो नेक्स्ट स्टेप पे आता है इज मैटाबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड जैसे आपने ऊपर देखा था एन ए बी ओ टू इज अ सोल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड यानी यहां पे सोडियम रिप्लेस्ड है हाइड्रोजन से यानी दिस सेक्ल फॉर्मुलाइज एच बीओ टू ठीक है इसके बाद देर इज अ थर्ड टाइप ऑफ बोरिक एसिड विच वी कॉल्ड टेट्राबोरिक एसिड टेट्राबोरिक एसिड इज अगेन वेरी वेल नोन टू यू क्योंकि इसी टेट्राबोरिक एसिड के सॉल्ट को हम बोरेक्स कहते हैं और बोरेक्स हम पीछे काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं सो वट वॉज बोरेक्स बोरेक्स वॉज एन ए टू बी फोर ओ सेवन इनहाइड्रेटेड फॉर्म होता था नॉर्मली बट दिस इज एनहाइड्रिस बोरेक्स और एनहाइड्रिस बोरेक्स में बेसिकली दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ बोरिक और टेट्राबोरिक एसिड एंड इट्स सपोज टू बी एच टू बी फोर ओ सेवन दिस इज टेट्राबोरिक एसिड एंड फाइनली वी now लेट्स ड्रॉ दिस लाइन अगेन इसके बिल्कुल साथ से ये करके आ गई एंड यहां द फाइनल वन विच इज कॉल्ड पायरो बोरिक एसिड पायरो बोरिक एसिड इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड इसके स्ट्रक्चर को ज्यादा हम डिटेल के अंदर बात नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ठीक है जो फर्स्ट तीन है आज के लेक्चर के अंदर हम इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला था बोरिक एसिड जिसको हम सिंपल बोरिक एसिड कहते हैं या ऑर्थो बोरिक एसिड कहते हैं उसका क्या फॉर्मूला था ये इनके फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बोरिक एसिड का फॉर्मूला था एच थ्री बी ओ थ्री ठीक है और ऑर्थोपोरिक एसिड को नॉर्मली आप यूं भी लिखते हो बी इंटू ओ ओ एच होल्थराइस ठीक है इट इज इक्वल इन टू राइटिंग दिस वे क्योंकि बात तो एक ही है उसमें भी ओ तीन एच पी तीन और एक बोरॉन इसमें भी एक बोरॉन तीन एच और ओ तीन दफा तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर ऐसे है कि दरमियान में एक बोरॉन है ठीक है और बोरॉन आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है बोरॉन का हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन बोरॉन का एटॉमिक नंबर है फाइव यानी पहले शेल में दो और आखिरी शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन्स सो बेसिकली इट इज गोइंग टू मेक थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स ठीक है ये या आपने याद रखना है एंड बोरॉन आयनिक कंपाउंड्स नहीं देता या पेक्यूलर नेचर के अंदर पड़ चुके हो बोरॉन की बोरॉन डस नॉट गिव आयनिक कंपाउंड्स सो इट इज गोइंग टू मेक थ्री बॉन्ड्स विद थ्री हाइड्रोसाइड्स दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर टू रिमेंबर ठीक है बी इनटू ओएच थ्री टाइम्स एक बोरोहन है जिसके ऊपर तीन दफा ओ एच ग्रुप लगा हुआ hydroxy, है ठीक ठीक है? है? है ग्रुप और और ऑक्सीजन बेसिकली दो बनाता इसने एक और एक बोरोन हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड लुक्स लाइक देर आर नो लोन दिस इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर ठीक है और एक और चीज के अगर थ्री डी के अंदर बात की जाए तो

टेट्राबोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड वो सारे के सारे ऑर्थोबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं वंस यू एड वॉटर इन टू इट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड अब हम इससे नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाते हैं नेक्स्ट है इससे मेटाबोरिक एसिड मेटाबोरिक एसिड एज यू सेट बिफोर इसका जो फॉर्मूला होता है दी ओ टू राइट एंड एच बी ओ टू बेसिकली इसमें दो हाइड्रोजन लगे दो एक सिर्फ एक हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है तो अगर एक तरफ एक बोरान आप लगा दो ठीक है और एक तरफ एक ऑक्सीजन लगा दो दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन लगा दो अब बोरॉन का एक बॉन्ड खाली बचा है और सिर्फ एक हाइड्रोजन बच गया, ठीक है तो हाइड्रोजन तो किसी एक साइड पर आप लगा दोगे ना तो अब बोरॉन का भी एक बॉन्ड पूरा करना है आपने और ऑक्सीजन का भी करना है तो इन दोनों का आपस में डबल बॉन्ड बना दो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बोरॉन और ऑक्सीजन ने आपस में एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ठीक है तो बोरॉन आप देखो इसका एक इस साइड पे और दो इस साइड पे तीन बॉन्ड्स पूरे हो गए ऑक्सीजन वैसे ही दो बॉन्ड्स बनाता है बोरॉन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना के इस वाले ऑक्सीजन के सेटिस्फाई कर दिए बॉन्ड्स और ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने एक हाइड्रोजन और एक बोरॉन के साथ बना के अपने बॉन्ड्स से वो पूरे किए हुए सो एच बी ओ टू का स्ट्रक्चर देखने में ऐसा होता है अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है कि वंस यू एड वाटर इन टू दिस अगर आप इसमें वाटर डालो और अच्छा मैंने अभी सिर्फ एक मॉलिक्यूल वाटर का मैंने डाला है तो क्या होगा कि पानी किस चीज को कहते हैं पानी इज बेसिकली हाइड्रोजन विच इज पार्शली पॉजिटिव एंड हाइड्रोसाइड विच आर पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव ठीक है एंड वंस अगेन इन ओ बी इफ यू लुक डेट ऑक्सीजन इज पार्शली नेगेटिव एंड बोर ऑन इज पार्शली पॉजिटिव ओल राइट सो दिस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन डू नो ऑक्सीजन के लास्टर होते हैं ऑक्सीजन you know? के अटोमिक नंबर क्या एट लास्ट के अंदर इसके होते हैं सिक्स अब चूंकि ये दो बॉन्ड्स बनाता है दो कॉल बॉन्ड्स बनाता है तो लेट्स ऑक्सीजन का न्यूक्लियस दिज आर फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्ट दो चार

और जब ये इसके ऊपर अटैच होता है तो यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है आसान जुबान के अंदर में अगर आपको समझाऊं तो एच आके ऑक्सीजन पे लग जाता है और ओ एच आ के बोरॉन पे लग जाता है ठीक है एंड अब अगर आप गोर करो ये क्या बन गया ये तो दोबारा ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया यानी मेटाबोरिक एसिड के अंदर अगर आप एक वाटर का मॉलिक्यूल डाल दो तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्थोबोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये आपके पास ऑर्थोबोरिक एसिड आ गया उसकी रीजन ये है कि आपके पास जो मेटाबोरिक एसिड था उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया और डबल बॉन्ड बेसिकली क्या चीज है एक आपके पास दो एटम्स हैं मसलन ये बोरॉन और ये ऑक्सीजन एक तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो बिल्कुल इनकी लाइन के दरम्यान में करके यूं बिल्कुल सीधा करके आ जाएगा ठीक है लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इस पिछले वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन से वो बिल्कुल 90 के एंगल पे थोड़ा दूर चला जाता है उससे ये जो कॉन्सेप्ट है इसको सिग्मा और पाई बॉन्डिंग कहते हैं और जो थोड़ा दूर करके चला जाता है उसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं और जो दरम्यान में करके इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है निस्पतन पाई बॉन्ड के ठीक है और पाई बॉन्ड के वीक होने की वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है मेटाबोरिक एसिड का क्योंकि मेटाबोरिक एसिड के अंदर ये दो बॉन्ड्स है ना इन दो में से एक तो सिग्मा होगा दूसरा पाए बॉन्ड होगा और ये पाए बॉन्ड क्या करेगा पाए बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो सेंटर से बहुत दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो बड़े आराम से वो किसी भी दूसरी चीज के साथ वो बॉन्ड बना सकते हैं ये वाले एलिमेंट्स सो so, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो एक बॉन्ड बच जाएगा और ये जो अब एक बॉन्ड बच गया ये अब सिग्मा है ठीक है

हाउ डू यू नो दिस क्योंकि अगर आपने बोरेक्स एडपिक पढ़ लिया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि बोरैक्स इज एन ए टू बी फोर ओ सेवन इन अदर वर्ड बोरैक्स जो था दिस वॉज सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड सो सिंस दिस इज सोडियम सोल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड इट मीन्स के यहां से एच प्लस टू ये सेपरेट होके एन ए प्लस वन दो दफा यहाँ पे अटैच हुआ हुआ एच प्लस वन दो दफ़ा लगा हुआ था तो उसकी जगह एन ए अटैच हो गया सो दिस बिकम्स एन ए टू बी फोर ओ सेवन सो एच टू बी फोर ओ सेवन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें इट इज़ अ लिटिल बिट कम्प्लेक्स लेकिन हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखो कि कोई भी दो बोरॉन्स आपने आपस में नहीं जोड़ने इन ऊपर वालों के अंदर तो चलो बात ही सिंपल थी ना मेटाबोरिक एसिड में तो होता ही एक ही बोरॉन का आइटम है ठीक है और ऑर्थोपोरिक एसिड में भी सिर्फ एक ही बोरॉन होता है बट इफ यू कम टू दिस वन टोर बोरॉन एटम्स ठीक है तो आपने ये करना है कि बोरॉन को कभी भी दूसरे बोरॉन के साथ बॉन्ड नहीं बनाना आपने दो बोरॉन्स के दरमियान आपने लाजमी एक ऑक्सीजन लगा देना ठीक है अब इस तरीके से आप चार बोरॉन पहले तो पूरे करो तीन बोरॉन्स हो गए इधर एक ऑक्सीजन लगा के इधर एक बोरॉन आप देखो आपके पास चार बोरॉन आइटम्स तो पूरे हो गए लेकिन अभी ऑक्सीजन कितने पूरे हुए हैं वन टू एंड थ्री ऑक्सीजन आपने टोटल कितने लगाने हैं सेवन अभी चार ऑक्सीजन की गुंजाइश बाकी है तो एक ऑक्सीजन तो लगाओ ना इधर दूसरा इधर तीसरा इधर और चौथा इधर अभी सेंस बन रही है स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है आपने सारों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगा दिया अब ऑक्सीजन गिनो कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है अगेन मैं याद करवा देता तो हमने क्या किया कि बोरॉन्स और ऑक्सीजन को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर इस तरीके से आपने बॉन्डिंग कराई कि हर बोरॉन के साथ दूसरा बोरॉन एटम अटैच ना हो बल्कि दोनों तरफ उसके ऑक्सीजन हो ठीक है और फिर आपने ये देखा कि चार ऑक्सीजन आपने मजीद अटैच करने थे तो हर बोरॉन के साथ एक एक ऑक्सीजन आपने एक्स्ट्रा लगा दी आप खुद होमवर्क करोगे आप ये इस लेक्चर के बाद पेपर पे आप बना के देखोगे तो बहुत इजीली आपसे ड्रॉ हो जाएगा अच्छा अब आप देखो कि अभी आपने दो हाइड्रोजन भी लगाने हैं और बॉन्ड्स भी कंप्लीट करवाने हैं अब अगर आप इस वाले बोरॉन को देखो दो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो वो तो किसी दो ही जगहों पे लगेंगे ना यहाँ पे एक आप एच लगा दो और यहाँ पे आप एक एच लगा दो लेकिन यहाँ पे लगाने के बाद अब देखो कौन कौन सी चीज़ों के बॉन्ड्स इसके तो पूरे हैं इसके भी पूरे हैं ये जो एंड वाले दो बी ओ हैं ना इनके बॉन्ड्स अभी पूरे नहीं हुए हुए इनको हम आपस में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा ताकि इस ऑक्सीजन के भी दो बॉन्ड्स पूरे हों और इस बोरॉन के भी तीन बॉन्ड्स पूरे हों अब आप देख लो स्ट्रक्चर के अंदर हर चीज चीज़ के बॉन्ड्स पूरे हैं ठीक है हम एक दफा फिर से यही पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं हमने ये बात की कि आपने और बोर को इस तरीके से जोड़ना है ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन इस तरीके से जोड़ना है एक लाइन के अंदर कि बोरॉन के साथ बोरॉन का आपने बॉन्ड नहीं बनाना डन दैट उसके बाद आपने देखना है कि सिंस इट वॉज एच टू बी फोर ओ सेवन फोर ऑक्सीजन आइटम्स क्योंकि अभी आपने तीन लगाए हैं सिर्फ तो वो चार आपके पास चार ही बोरौन है चारों के साथ एक एक लगा दो इन दो कोनों वालों के ऊपर कोने पे यू करके और दरमियान वालों के ऊपर नीचे करके आप यू करके लगा दो ना यू नो के ऑक्सीजन तो पूरे हो गए हैं सारे बट यू हैव ओनली टू हाइड्रोजन आइटम्स लेफ्ट तो वो आप सेंटर में यू लगा दो एंड दो, बाकी पूरे बॉन्डिंग्स कंप्लीट करने के लिए एंड वाले दो का आपस में यू मेक अ डबल बॉन्ड ओके लेट्स कम बैक हियर ये आपके पास आ गया और बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यहां से आगे जो भी मैं आपको बात करने हूं देखो इसमें पहले ही डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्ड हैं, ये तो ऑब्वियस बात है कि ये स्ट्रक्चर जो होगा ये अनस्टेबल होगा ठीक है क्लियर है ना ये क्योंकि इसमें जब मेटाबोरिक एसिड में आपने देखा था कि ओ एच एक तरफ लगा हुआ था बोरॉन के और एक तरफ सिंगल बॉन्डेड ओ था और सिर्फ इस सिंगल बॉन्डेड ओ होने की डबल बॉन्डेड ओ होने की वजह से आपके पास एक पाए बॉन्ड था जो कि अनस्टेबल था जो कि फॉरन बॉन्ड टूट जाता है और इस वजह से यह बॉन्ड हमेशा टूट जाता है और एक तरफ एच और एक तरफ ओ OH एच आके अटैच हो जाता ठीक हो गया बिल्कुल इसी तरीके से टेट्राबोरिक एसिड इज इवन मोर अनस्टेबल और ये क्या करता है कि इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स डालने की गुंजाइश होती है ठीक है अभी हम इसको यहां से सॉरी इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स डालो तो होता क्या है आई एम गोइंग टू राइट इट इन ब्लू नाउ सो आप क्लियरली इसको समझ सको जो अभी हम टॉपिक देखने लगे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि जब आप पानी का मॉलिक्यूल डालते हो ना तो जिस उसमें हुआ था अब थोड़ा सा रिकॉल कर लो ऊपर क्या हुआ था पानी का मॉलिक्यूल डालने से के एच बी ओ टू में पानी के जब आपने मॉलिक्यूल डाला था तो एक पाई बॉन्ड टूटा था बोरॉन के ऊपर ओ एच और ऑक्सीजन के ऊपर एच आके लग गया था क्योंकि पानी एच और ओ एच को ही कहते हैं सो इसमें भी अभी यूं ही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाल, ये वाला बॉन्ड टूटेगा ठीक है बोरॉन के ऊपर ओ एच और ऑक्सीजन के ऊपर एक एच आके अटैच होगा ठीक हो गया इसी तरीके से यही वाली चीज इधर राइट साइड पे भी यही वाली चीज लगी हुई है तो यहां पे भी यूं ही होगा बोरॉन के एक o -H और के ऊपर ऊपर एक एक ओ एच एच और ऑक्सीजन अटैच हो हो जाएगा ठीक गया नाउ ऑलरेडी दो मॉलिक्यूल्स डाल चुके हुए हो पानी के और अभी भी ये स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल स्टेबल नहीं है क्योंकि ये जो इतनी लंबी आपने चेन बना दी है ना इतनी लंबी चेन जो होती है वो कभी भी स्टेबल नहीं होती ये चेन छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने आप को तोड़ेगी इसके बाद ठीक है सबसे पहली दफा ये कहां से तोड़ेगी एक यहां से जॉइंट टूटेगा और एक जॉइंट जो है वो यहां से टूटेगा ठीक है जो यहां से जॉइंट टूटेगा वो क्या चीज है बी लगा हुआ है बल्कि मैं इसको एज इट इज नीचे हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले जॉइंट को ये जो पूरी चीज है ये पूरी चीज आपके पास एज इट इज नीचे आ जाएगी और यहां से भी राइट साइड पे भी यही पूरी चीज जो है एज इट इज नीचे आ जाएगी। आपके पास दो दो प्रोडक्ट्स तो ये हो गए और एक सेंटर वाली चीज जो है ये पूरी की पूरी इधर दरम्यान में नीचे आ जाएगी अब जब आपने इनको तोड़ा है तो तोड़ने में भी आपको बॉन्ड्स का तो ख्याल रखना पड़ेगा ना यानी ये जो इस कॉर्नर पे जो ऑक्सीजन एक खाली बच गया है बेसिकली यहां पे आके एक एच लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा एच के साथ बॉन्ड बनाता है और ये जो बोरॉन यहां पे आपने तोड़ा है इसके साथ आके एक ओ एच लग जाएगा सिमिलरली इस कोने पे ऊपर भी इस ऑक्सीजन के साथ एक एच लग जाएगा और इस बोरॉन के साथ एक ओ एच लग जाएगा यहां तक भी कहानी बहुत सिंपल है हमने क्या किया है कि ये जो दरम्यान में पूरा पार्ट बना हुआ था ना उसको हमने तोड़ दिया है स्प्लिट कर दिया है और उस स्प्लिटिंग के बाद हमने ये कहा है कि एक तरफ

इसके कोने पे चूंकि ओ लगा हुआ है यहां पे आके एक एच और इस बी के साथ एक ओ एच अटैच हो जाएगा और नाउ यू कैन सी यू हैव बेसिकली फोर डिफरेंट स्ट्रक्चर सो बेसिकली एच टू बी फोर ओ सेवन के अंदर जब पानी डाला जाता है कितनी दफा डाला जाता है अच्छा दिस इज इंटरेस्टिंग आप सबसे पहले तो ये देखो ये जो ब्लू में मैंने जितने भी लिखे हैं वो ये वो सारे हैं जो मैंने बाद में अटैच किए ठीक है मैं ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई करने हूं कि कितने ओ एच ग्रुप्स हमने अटैच किए हैं दिस इज द फर्स्ट ओ एच ग्रुप ठीक है फिर सेकेंड ओ एच ग्रुप थर्ड ओ एच ग्रोप फोर्थ ओ एच ग्रुप एंड फिफ्थ ओ एच ग्रुप ठीक है इसी तरह मैं आपको अभी ऑरेंज कलर से आइडेंटिफाई करने हूं कि हमने एच कितने लगाए हैं एक एच हो गया दो एच हो गए तीन एच हो गए चार एच हो गए और पाँच एच हो गए यानी पाँच दफा आपने एच और पाँच दफा ही ओ OH एच यानी इनफैक्ट आपने पाँच दफा इट इज इक्वल एंड टू कि आपने पाँच दफा वाटर मॉलिक्यूल को इसमें ऐड किया ठीक हो गया सो so यू आपने टेट्राबोरिक एसिड के अंदर पाँच वाटर के मॉलिक्यूल्स डाले और ओवरऑल इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर यू हैव अचीव्ड वन 2 3 and 4 molecules of orthoboric acid 4 H3BO3 orthoboric acid you can write it even in a simpler way you can write it B into OH whole thrice so this is एट फॉर टेट्राबोरिक एसिड वी हैव सीन है टेट्राबरिक एसिड जो है इस ये भी अनस्टेबल है और इसके अंदर भी जब पानी डाला जाता है इसके अंदर आप ऐड करते हो पानी तो इट गेट्स डाउन टू ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड्स इसमें हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर अगर मैं एक दफ़ा हल्का सा आपको रिकॉल करवा दूँ यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटा एक तरफ ओ OH एच लगा ऑक्सीजन के साथ ओ तो नहीं लगता सॉरी ऑक्सीजन के साथ एक एच लगा बोरॉन बोरॉन के 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 साथ OH साथ साथ एक लगा, के साथ एक एक OH एक लगा 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 सिमिलरली यहां से डबल बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन फिर यहां से आपने तोड़ना है यहां से आपने तोड़ना है ठीक है और जब ये दोनों आप तोड़ दोगे तो फिर आप यहां से या यहां से आपने तोड़ देना और हर बोरॉन के साथ एक ओ और एक ऑक्सीजन के साथ एक एच लगाते जाओ और आपके पास चार ऑर्थोबोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे दिस इज इट फॉर टू लेक्चर वैसे तो आपके टॉपिक के अंदर एक पायरोबोरिक एसिड्स भी शामिल हैं पायरो एसिड जिसका जो फॉर्मूला है इट इज एच सिक्स बी फोर ओ नाइन लेकिन पायरोबोरिक एसिड हम लोग नहीं पढ़ेंगे बिकॉज पायरोबोरिक एसिड इज बेसिकली अ साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ना यूं करके चीजें जुड़ी हुई होती हैं बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन ऑक्सीजन कुछ ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है देखो एक दो तीन चार बोरॉन्स भी पूरे हो गए आपके पास ऑक्सीजन आपने देखो कितने लगाए एक दो तीन चार अभी फिलहाल पूरे हुए हैं और बाकी ऑक्सीजन के लिए आप क्या करोगे या साइडों पे करके कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा करोगे ठीक है मसलन इन दोनों बोरॉन्स के करके यूं करके एक ऑक्सीजन अगर मैं जोड़ दूँ ठीक है एक ऑक्सीजन यू एक्स्ट्रा आ गया और आप यूं ही करके मजीद स्ट्रक्चर्स बनाते जा सकते हो तो दिस इज हाउ रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट लेकिन वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए हम उस स्ट्रक्चर को पायरबोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को नहीं डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एक तो प्रॉपर्टीज देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड या एच थ्री बी ओ थ्री जो था और फिर हम उसको देखेंगे कि ऑर्थोबोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ औरथोबोरिक तो एसिड ये हम दो टॉपिक्स इससे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे